बीडी न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। भंडारा नागपुर को जोड़ने वाला अंबोरा का पुल एक साल से बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अभी भी पब्लिक के लिए शुरू नहीं किया गया है। इस वजह से यहाँ के स्थानिक लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इनकी परेशानी देख के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर पब्लिक के लिए यह पुल चालू करने के लिए आंदोलन करना शुरू किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, आंदोलनकारी बैठे हैं। ये धरना आंदोलन 1 मई महाराष्ट्र के दिन कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है। लोकांना जाने रस्ता जे डोंग्यातून होत होती ती पण बंद झाली। पेशंट घरघर फिरतात। आता इथे पोलीस चौकी राहते, 2-3 माणसं राहतात। तिकडून एखादी बोट आली तर तिकडे जातात, तिकडून आली की इकडे जातात। तो इकडे बिलकुल चक्कर काटून राहिला। झाला एखादा माणूस त्या ठिकाणी मेला नदीत, त्याला जिम्मेदार कोण राहील? 150-200 किलोमीटरचा फेरा आमच्या गरीब माणसाला खरंच। तो अभी ये देख सकते हैं कि जो इंजीनियर है वो उनको टेक्निकल प्रॉब्लम समझा रहे हैं, क्यों पुल अभी तक शुरू नहीं किया। लेकिन इन आंदोलनकारियों का इससे समाधान नहीं हो पाया है, इस वजह से उन्होंने घोषणाबाजी शुरू कर दी। यह देख के पुलिस ने उनको अरेस्ट करके नज़दीक के पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं। इस तरह से यह आंदोलन बड़ा होते जा रहा है। आपको यह वीडियो कैसे लगा यह हमें कमेंट्स करके बताएं। अगर आपने बीडी न्यूज़ हिंदी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बीडी न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।